जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हमारा चैनल सहस्र न्यूज। हमारे पीछे एक मकान दिख रहा होगा आपको। हम आज आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। आए दिनों बाबाओं का कहर हमारे समाज पर कितना बढ़ रहा है, कितना प्रभावशाली हो रहा है, ये आए दिन आप टीवी और रेडियो के माध्यम से सुनते और समझते होंगे। कई बाबा तो अभी अश्लील हरकतों के वजह से जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन आज हम एक कड़ी इस घटना में इन बाबाओं के कहानियों में एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अध्याय, एक पन्ना और जोड़ने का इसमें काम बाबाओं ने किया है। वो घटना हम आपको बता रहे हैं, दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि एक बाबा जो किसी के घर पर आते हैं और कोई अगर उनको शरण अपने घर में अगर देता है तो एक विश्वास पर देता है। अगर यही बाबा लोग अगर उसके विश्वास को भी तोड़ दे तो फिर बाबाओं को बैठने के लिए अपने घर में कोई जगह नहीं देगा। आज कहानी भी इन्हीं बाबाओं पर है। चलिए सुनते हैं गृह स्वामी से कि उनके साथ इन बाबाओं ने कितना बड़ा घोर अन्याय किया है। उनकी गहरी कमाई लगभग 5 से 6 लाख रुपए उनका लूट लिया है और ये कहानी अब उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं और समाज को समझाने की कोशिश भी हम अपने चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि किसी पर भरोसा आंख बंद करके न करें। जी, जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं ये यही दो बाबा हैं जिन्होंने इस गृह स्वामी को चूना लगा दिया है और आप भी इनको जरा गौर से देखिए क्योंकि इनको पुलिस भी खोज रही है और ग्रामीण भी खोज रहे हैं। जरा ध्यान से इनकी फोटो को देखिए। हमारे साथ गृह स्वामी है। सर, आपका क्या नाम है? प्रकाश कुमार सिंह। प्रकाश जी, ये बताइए कि आपके साथ मैंने कैसे कैसे उन बाबाओं ने ठगने का काम? बाबा टोला ने बोला कि हम प्रकाश सिंह है, 18 साल पढ़ाए हैं, भाई है प्रमोद सिंह और प्रकाश जी का भाई हुआ है और रेणु देवी अभी भौजाई है, मौसी का सबका नाम बताया। उसको बोला कि हम रहना चाहते हैं, हमको 95,000 रुपया 7,000 खर्चा है। तो हम लोग बोले नहीं, पर पैसा मेरे पास है नहीं। तब 20,000 कोई, 10,000 कोई, सब चंदा तो 95,000 पूरा दे दिया गया। एक तो अनहर बाबा जो था वो पैसा लेकर चला गया। उसके बाद वहाँ जब आया तो उसके बाद ये बोला दूर रात रहा, लिट्टी चोखा बना खिलाया। उसके बाद लिट्टी चोखा बना खिलाने के बाद वो बोला लिट्टी चोखा जो बना रहे थे खुद अपने से बना रहे। हाँ। अच्छा, आपके घर पे? हाँ। तो आपको भैया उन पर इतना विश्वास हो गया कि आपने उनको परमिशन दे दिया? नाम दे दिया, जब बता दिया अपने आप से बोला मैं लिट्टी चोखा बना रहे। मैंने आपके भाई कभी पहले लापता हो चुका? 18 साल पहले। आप बोले थे कोई दिक्कत नहीं? अच्छा भैया, क्या चाहिए बताइए कि आपके पास जब आए तो क्या विश्वास से आपने उनको अपने घर में शरण दे दिया? शरण वो पूरा परिचय दिया ना, माँ को बोला, पूरा मौसी का नाम बोला, एगो मामा है, एगो मामा का नाम बिंजी में मेरा खानदान है उसका नाम। मतलब दोनों बाबाओं ने जो साधु है वो आपके पूरे परिवार का परिचय दिया? हाँ। इसलिए कि आपने उसको 18 साल पर मेरा भाई भागा था, आ गया है तो मैं सोचा कि पैखाना तैखाना वाला पैसा है वो भी निकाल कर बैंक से दे दिया। इसी में आपका आप शरण दिया? उसके बाद रहा, एक दिन चला गया, बोला हमको रात में रहना नहीं है। उस रात में बिहान होकर रात में आया तो ऐसे से बोला कि हम रहना चाहते हैं, हमको 1,60,000 खर्चा है, भंडारा खर्चा आप दीजिए, मदद कीजिए, हम यहाँ रहेंगे। हमको कपड़ा 3300 का खरवाया, चप्पल दुकान से उठा कर ले गया 4 जोड़ा। उसके बाद देखा कि ऐसे से बात है तो पूरा जेवर का पुतो क्यों जी बोला, पुतो भी नहीं जानता है इसको क्या बोला, को भी नहीं जानता है। अच्छा, घर से भी सामग्री वगैरह लेके गए हैं? हाँ, जेवरे टोटल लेके चला। अच्छा, गया तो पैसा दिए खुशी से, कोई टेंशन नहीं था। उनको कैसे मालूम चला कि आपके घर में जेवर कहाँ है? वो सब कुछ जानता है और घोड़ी है, जाति नहीं है, जोगी नहीं है। और आप लोग को मैंने नशा खिला के, मैंने जिस रात में लिट्टी चोखा खाना है तो आप ही के घर के सिर्फ लोगों को खिलाया कि गांव समाज? नहीं, गांव किसी को नहीं, सिर्फ आपके घर के लोगों को ही खिलाया। तो जब सुबह में आप लोग का कितना बजे, मैंने रोज कब जग जाते हैं? 6 बजे, कई बार 5:30। उस दिन कितने बजे जगे थे आप? 6:30 बजे जगे थे उस दिन। नॉर्मल जैसे रोज जगते थे वैसे ही जगे? तो आपका अलमारी उलमारी सब टूटा फूटा था? सारा कुछ खुलल था, अलमारी टूटल नहीं था, खुलल था। चाबी भी सब जानता है वो कहाँ है। अच्छा, लिट्टी बनाया था कितने लोग, कौन किसी को भी खिलाया था? सब पूरा घर को खिलाया था। क्या करके छोड़ सर, क्या क्या करके खिलाया? क्या करके, प्रसादी है
लेकिन प्रसादी है वो लोग भी खाया है सामान सारा मेरे ही लिट्टी घर में ही बनाया यहीं पे। अच्छा तो आपके भाई जो आज से 18-19 साल पहले गए हैं तो क्या वो जीवित है या उन्हीं पर आपका शक जा रहा है? शक जा रहा था जो वही बोला कि भाई नाम बताया नाम पर तब शक कर लिया। अच्छा तक आदमी को पहचानता है तेल बेचता है मणिकलाल पास में उसको भी नाम घोड़ी पर बताया। अच्छा तो मैंने यानी कि नाम बताकर उन्होंने कुल्लू बोले। हाँ जुड़ी है महिला इन्हीं का घर था और इनको किस तरीका से लूटा थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए किस प्रकार से मैंने वो आए आपके पास और फिर आप इतना भरोसा उन्होंने जताया इतना कि आप लोगों ने उन पर इतना भरोसा कर लिया कि पूरा घर ही उनको दे दिया कैसे कैसे क्या वाक्य हुआ बताइए। नहीं वो आया ना पहले यहाँ तो नहीं आया यहाँ से देख के चले गए पिछले द्वार पर बैठे वहाँ से मैं लालू सब आई बोलने के लिए विश्वनाथ सिंह का बेटा आया हुआ है परमोसी अपना अपना भाई का नाम बता रहा है अपना घर पहले का घर है वैशाली जिला वहाँ का नाम बता रहा है वैशाली जिला हमारा ननद का भी ससुराल है उसका भी नाम बता रहा है पुष्पा देवी मेरा बहन का नाम है सब बताया तो सब सोचे क्या जो हो सकता है 18 साल पहले भागा हुआ है मेरा देवर तो आ गया है तो अच्छा बात है तो हम लोग चले आए देख के हमको कुछ शक बुझाया जो ये नहीं है फिर आदमी सब बोलने लगा जो नहीं यही है यही है तो यहाँ पर सब बुला के लाया के बाद सब बोलने लगा हाँ ये बड़ी भाई है ये मेरा भाई है सब तो हम लोग सोचे थे अच्छा बात है आ गया उसका बीबी भी मर गया था उसके जाने के बाद 8 महीना का बस बच्चा था उसका गोद में तो बोला नहीं हम ही है अब नहीं जाएंगे ऐसे से बात अपना पत्नी का नाम उसका 3 बहने ही थे भाई नहीं था उसका वो भी बताया मेरा कन्या का 3 सिर्फ बहने ही थे वो बहन का नाम भी साली का नाम भी बता रहा था मेरा साली का नाम आरती है मैंने आपका पूरा रिलेशन के बारे में पूरा रिलेशन के मेरा मायके तक का वो जो है बात बता रहा था इनका घर से। अच्छा ये बताइए कि आप पर थोड़ा आपको थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि नहीं, नहीं थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ ये नहीं है मेरी बेटी भी थी वही 7-8 साल की थी उसका भी नाम बताया गया जो वो जो है अपना मुँह से नहीं बोलती थी वो सारंगी पर सबका नाम बताता था सारंगी से ही सारा नाम सारा नाम सारंगी ही से मेरा बेटी तक का नाम जो शादी हो गया है उसका भी नाम बता रहा था कि मेरी सोनी बेटी का नाम तो हम लोग सोचे क्या जी नहीं वही है। ये बताइए मैडम कि आपका जब जिस दिन लिट्टी बुट्टी खिलाया तो उस दिन रात को थोड़ा सा भी आप लोग को अनुभव नहीं हुआ कि नशा का या कुछ दे रहा है नहीं, कुछ और रात में आप लोग का नींद भी नहीं खुला? वो लोग कुछ मंत्र ऐसा जानता है जो हम लोग को इतना भयभीत कर दिया जो हम लोग को पता ही नहीं चला जो क्या है। हम बताना चाहेंगे कि ये आपका जो इनका दर्द हमने आपको सुनाने की कोशिश की इससे हम समाज को ये भी बताना चाहेंगे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए अभी के समय में कौन किस रूप में आपको लूटने आ जाएगा ये न हम बता सकते हैं और न भगवान ही बता सकते हैं और खास करके इन साधुओं पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए क्योंकि यही साधु अब इतना घोर अन्याय करने लगे हैं साधु के इनको लूट लेंगे ये कहना कठिन है इसलिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसके साथ बात करें या उनको अपने घर पर बैठने